साथियों, ये है दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए रामबाण है। साथियों, मैं रामबाण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह इंडियन इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टेस्ट सीरीज है। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं साथियों, जो आपकी आधारभूत प्रश्न होता है आपके एग्जाम के, आपके सिलेबस का, जो एग्जाम में खूब दबा कर पूछे जाते हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित जो स्टैटिक से प्रश्न है वो मिलेंगे, आपके बजट से संबंधित 2024 का जो बजट है वहां से प्रश्न मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, जो सरकारी स्कीम है, योजनाएं हैं, उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे, और जो 2024 के जो नए नए सूचकांक हैं जो आपके यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं, उन वो सभी टाइप के सूचकांक है यहाँ पर। तो साथियों, कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है साथियों, 150 प्रश्नों की हमारी ये टेस्ट सीरीज है। आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक अगर देखेंगे तो आप बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा डाटा, बहुत सारा कंसेप्ट सीख कर जाएंगे। आपको मालूम है दृष्टि आईएएस एक बहुत ही बेहतरीन, बड़ी और विश्वसनीय संस्था है। इसका मैंने अपने घर पर ऐसा नहीं इसे तैयार किया है, यह दृष्टि आईएएस का कंटेंट है जिसका मैं आप सबके एग्जाम की तैयारी के लिए, आपकी तैयारी में धार लगाने के लिए आपके सामने लेकर आया हूं। क्योंकि साथियों, ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आता हूं, जैसे जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज हो गई, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज हो गई, दृष्टि आईएएस की, घटना चक्र की, ऐसे ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज का हम कंटेंट लेकर आते हैं, जिससे कि साथियों, जो स्टूडेंट ऐसे महंगे टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पा रहे हैं, जो गाँव में रहते हैं, कहीं दूर दराज जो गांव एरिया में रहते हैं, या फिर जो ऐसी बड़ी संस्थाओं के पहुंच से दूर हैं, उनका भला हो सके, वो भी नए विश्वसनीय और बेहतरीन कंटेंट से जुड़ सके। तो साथियों, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस को आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग साथियों, यदि अपने शिक्षक के लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो साथियों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, इतना ही कहते हैं और चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं। उस टेलीग्राम पर आप जाकर मैसेज कर देंगे तो हम उसको जो है भेज देंगे आप पर, आप उसे जो है खुद से सॉल्व कर लीजिए। यदि आपके अंदर टैलेंट है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप जो है खुद से सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती कर रहा हूं, आप देखिए, लेकिन हाँ, आप देखते हैं तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो चले हम लोग साथियों देखते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब साथियों, चलते हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं पहले प्रश्न में। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा ये समृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न है। आपको मालूम है साथियों, समृद्धि क्या होती है, जिससे मानव जीवन में वो बदलाव लाती है, जैसे शिक्षा, आप शिक्षा दे दिए व्यक्ति को, नौकरी दे दिए, उसका इलाज करवा दिए, ये सब समृद्धि के अंतर्गत आता है। और जो विकास होता है साथियों, यह आधारभूत संरचना होता है, जैसे रेल बनवा दिए आप, बस स्टेशन बनवा दिए, सड़क बनवा दिए, बिल्डिंग्स बनवा दिए, ये सब विकास के अंतर्गत आता है। तो समृद्धि का जो होता है वो मानव जीवन पर फर्क पड़ता है, और विकास का जो मतलब ये कि मानव जीवन पर, जरूरी नहीं कि मानव जीवन पर इसका प्रभाव डाले। तो साथियों, यहाँ पर दोनों कथन सही है, यहाँ पर आपको समृद्धि और मानव विकास से संबंधित कथन दिया है, और कह रहा है कौन सा सही है, इन दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना था। तो कौन सा उत्तर सही है, तो यहाँ पर दोनों सही है, क्योंकि समृद्धि मात्रात्मक है और इसे निरपेक्ष रूप से मापा जा सकता है, ये भी बात सही है। और विकास का अर्थ जीवन को निर्वाह करने वाली वस्तुओं की उपलब्धता और जीवन में सुधार से ही, यस, दोनों के दोनों कथन सही है। आपको दो तीन सवाल तक थोड़ा ऐसे कंसेप्चुअल सवाल मिलेंगे, आगे चलकर एक से बढ़कर एक आपको सवाल मिलेंगे जो आप बहुत ज्यादा आपको जो है वो नॉलेज प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग दूसरे वाले में। तो साथियों, यहाँ पर ये जो है अर्थव्यवस्था की क्षेत्रों से संबंधित सवाल दिया है। तो आप लोगों को मालूम है साथियों, अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र मुख्य रूप से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और प्राथमिक जो होता है वो कृषि से रिलेटेड होती है, कच्चा माल का उत्पादन करती है। तो साथियों, यहाँ पर लिखा है आपको कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो साथियों, आप लोग को मालूम है जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी, वो कृषि संबंधित गतिविधियों से होता है, कृषि, खनन, उत्खनन, और ये सभी बागवानी,
ये सब संबंधित होता है, और जो सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र होता है वो विनिर्माण यानी कच्चे माल का उसमें संशोधित करके उसे अच्छे से बनाया जाता है, तो विनिर्माण से संबंधित हो जाता है। और जो जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो सेवाओं से संबंधित होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर साथियों जो दिया है, कच्चे माल का निष्कर्षण और संसाधित करना, उत्पादन एवं पैकेज करना, ये जो बातें लिखी गई हैं ये सब प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। बहुत अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है साथियों इसमें। तीसरे वाले में आपसे पूछ रहा है, यहाँ तीसरा वाले में क्या पूछ रहे हैं साथियों, बहुत बेहतरीन आपसे कह रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। साथियों बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों जो हुआ था वो 1990 में हुआ था, विकल्प नंबर बी। ये अमर्त सेन थे, भारत के एक अर्थशास्त्री और एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, तो उन दोनों ने मिलकर इसे जो है तैयार किया था 1990 में, जो मानव विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, देखें चौथे वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं, चौथा वाला में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न होता है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जहां पर सतत विकास यानी SDG से संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित सवाल न आते हो। आपको बता दूं थोड़ा सा, ये सतत विकास लक्ष्य है 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे घोषित किया गया था, और कुल 17 सतत विकास लक्ष्य को घोषित किया गया था, और कहा गया था कि 2030 तक यानी 15 साल में हमें इसे प्राप्त करना है, इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को। बहुत बेहतरीन होगा, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, आप लोग को यही 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर पहली बातें हैं, ये भी सही है कि इन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था, यस सही बात है। और दूसरा में इसे 17 सतत विकास लक्ष्य है, यहाँ सतत विकास लक्ष्य लिखना चाहिए था, केवल लक्ष्य लिख दिया है, और 169 अन्य लक्ष्य हैं, टारगेट हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, यानी उत्तर हमारा सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, चौथा का हमारा सी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा में क्या बात कही जा रही है। साथियों यहाँ पर कारक लागत के बारे में पूछा जा रहा है, कारक लागत की गणना कैसे की जाती है, कारक लागत की गणना किस आधार पर की जाती है। तो साथियों आप लोग मालूम है, किसी वस्तु को उत्पादित करने में, वस्तुओं सेवाओं को जो लागत लगती है, तो वही उसका कारक लागत होता है। जैसे आप कुछ उद्योग लगा लिए, तो आप जिस जमीन पर लगाए उसका किराया देना होगा, श्रमिक काम कर रहे हैं उसका भी पेमेंट करना होगा, अन्य तरह की जो उद्यमी है उसका भी अपना कुछ बनता है वो लेगा, ये सब कारक लागत में आ जाते हैं। तो कारक लागत में साथियों सब्सिडी टैक्स नहीं होता है, बल्कि सब्सिडी होती है सरकार की। तो विकल्प नंबर ए जो है कारक लागत यही होता है, यानी इनपुट कह सकते हैं। तो उत्पादन की लागत जो होती है उसमें कर नहीं होता है, कर टैक्स को निकाल देते हैं, जब उसमें टैक्स जुड़ जाता है तो बाजार मूल्य हो जाता है, यही यही मतलब कारक लागत और ये बाजार मूल्य में यही फर्क होता है। अगर यहाँ बाजार मूल्य पूछा रहता तो बाजार मूल्य में उत्पादन लागत रहता और टैक्स को शामिल कर दिया था, प्लस टैक्स प्लस हो जाता और सब्सिडी घट जाती। तो यहाँ पर कारक लागत है, तो विकल्प नंबर ए आपका कारक लागत का उत्तर हो जाएगा, पांचवें का ए। बहुत अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखें छठवें में क्या पूछ लिया है, छठवें में साथियों आपसे पूछ लिया है, सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ नीति आयोग के द्वारा तो नहीं किया जाता है साथियों, ये किया जाता है जो आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। बहुत अच्छा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ये विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इसे द्वारा, और ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है साथियों, जिसे NSO बोला जाता है, ये बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को जुटाती है। तो ये हो गया, तो फिलहाल ये GDP का आकलन ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, सातवां में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सातवां में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि
सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाली विधि नहीं है, यानी ऐसी विधि को बताना है जिस विधि का प्रयोग जीडीपी की गणना में उपयोग नहीं किया जाता है। तो साथियों, आप लोगों को मालूम होगा जीडीपी की गणना में आय विधि बोली जाती है, क्योंकि इनकम जो होती है वो भी इंक्लूड होती है। हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ कितनी इनकम है, विदेशों में जो होती है तो उससे रिलेटेड होता है, इनकम को तो इंक्लूड किया जाता है। और उत्पादन विधि तो होता है, ये उत्पादन की आधार मेन आधार है सकल घरेलू उत्पाद के तैयार करने में, कि उत्पादन कितना हुआ, उसमें टूट फूट कितना हुआ उसमें निकाला जाता है, फिर वो नेट जीडीपी निकाली जाती है, ये भी होती है। और यहाँ पर साथियों, ये जो आपको लिख दिया है ये व्यय विधि, व्यय विधि होती है कि आदमी खर्च कितना कर रहा है, जब ज्यादा खर्च होगा तो ज्यादा वस्तुओं सेवाओं की मांग होगी, उतना उत्पादन होगा, ये भी है। उपभोग विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है जीडीपी में, तो यही उत्तर होगा। आपसे पूछा किसका नहीं किया जाता है, तो उपभोग विधि का नहीं किया जाता है जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग आठवें में। आठवां में साथियों आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है। साथियों, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा इंडिकेशन माना जाता है कि प्रति व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए। साथियों, आप अपने घर का देखिए, आप अपनी घर की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में सोचिए, कुछ भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका घर बन जाए या फिर आपके घर में मतलब कुछ अच्छा प्रोग्राम हो जाए, ये डिपेंड नहीं करता। आपके घर में किसी को नौकरी लग जाती है, जितने लोग हैं सबकी मान लीजिए नौकरी लग जाए, सबकी इनकम बढ़ गई, वही सबसे अच्छा आर्थिक विकास होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार देश में भी होता है कि प्रति व्यक्ति इनकम अच्छा होगा तो वही मतलब यही सबसे आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, प्रति व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए बस, बल्कि सभी हैं लेकिन सबसे बेहतर पूछा है तो यही होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें साथियों क्या कर रहे हैं नौवे में, कौन सा सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार क्या हो सकता है मेरे भाई, तो आधार क्या है यहाँ पर, तो साथियों ये अच्छा मल्टी ऑप्शनल कथन वाला सवाल है, तो थोड़ा सा मैं इसे छोट करके सेट करना होगा। अब सही हो गया, देखते हैं कौन सा सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार साथियों क्या है यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सुशासन भी है यानी अच्छा शासन, जिसे हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं, तो गुड गवर्नेंस भी है। पर्यावरण संरक्षण है यानी स्वच्छ हवा में हम लोग सांस लेते हैं, तो ये भी एक तरह की खुशहाली होगी ना, कि हम लोग किसी ले जाकर जो है एक कूड़ेदान में रख दें तो वो खुशहाली होगी, वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर्यावरण को बचाएंगे तो हमें स्वच्छ हवा मिलेगी, हमारा सब कुछ स्वास्थ्य सही रहेगी, ये भी है। संस्कृति का संरक्षण एवं उसका संवर्धन, ये भी है साथियों खुशहाली में। हम लोगों की संस्कृति को सोचो, अगर कोई आकर हमें कहे तुम इस धर्म को अपना लो उस धर्म को अपना लो, हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचाए, तो भी हम खुशहाल नहीं रहेंगे, तो ये भी होती है। जबकि आर्थिक अवसर ये सकल राष्ट्रीय खुशहाल में शामिल नहीं होता है, तो ये तीनों बातें सही हैं, ये चौथा नहीं है, जिसमें चौथा होगा वो गलत हो जाएगा, इसमें चौथा है इसमें ये गलत हो गया, तो यही आपका बी वाला उत्तर सही होता है। आगे देखते हैं हम लोग साथियों, थोड़ा सा समय देंगे तो बहुत कुछ चीज सीखेंगे आप, बहुत अच्छी अच्छी बातें। देखें यहाँ पर एक योजना और से संबंधित दिया है, यहाँ पर जो आजादी के पहले योजनाएं आई थी कुछ प्लानिंग्स वो हैं, और इधर उधर इधर इस साइड में दिया है उसकी मतलब सन दिया है, किस वर्ष में कौन सी योजना आई थी। तो गांधीवादी योजना जो आई थी साथियों, यह 1944 में आई थी, 43 में नहीं, तो आचार्य करके एक, ये गांधी जी नहीं लाए थे, ये गांधी जी की विचारधारा पर थी, एक आचार्य करके उनका नाम था, तो वही इसको लाए थे, और यही वाला आपका उत्तर हो, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 43 में नहीं, ये 1944 में आई थी। बॉम्बे योजना 1944 में आई थी, बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों के द्वारा यह प्लान तैयार किया गया था, हालांकि ये सब लागू नहीं हो पाया। सर्वोदय योजना ये 1950 में आया था, जो आजादी के आंदोलन जो छिड़ने वाले थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, जयप्रकाश नारायण, तो वो ये लेकर आए थे, और पीपुल्स प्लान ये 45 में आया था, ये भी। तो सब सही है तीनों, आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा, ये तीनों सही है, लेकिन यही गलत ए था, क्योंकि इसमें हमने गलत पूछा था।
तो गलत क्यों था ये मैंने क्लियर कर दिया। तो एक चीज देखते हैं यहाँ 11 वाले में, हमारा साथियों एक बहुत अच्छा सवाल दे दिया है यहाँ पर आपको, मैचिंग से संबंधित दे दिया है। तो मैचिंग से संबंधित है तो थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे क्योंकि नीचे चला गया है, बहुत लंबा सा हो गया है, तो आप लोग देखते रहिएगा, थोड़ा सा हम और अच्छा सेट करते हैं, मिलाने वाला है, आप तो समझ गए होंगे। तो एक सूची में दिया है आपको, एक इधर सूची में दे दिया है कि पंचवर्षीय योजनाएं, और इधर दिया है ये संस्थाओं का, यानी कौन सी स्कीम कब आई थी किस पंचवर्षीय योजना में। तो साथियों आपको मालूम है एक चीज, यहाँ जो सबसे ज्यादा क्लियर है उसी को पहले पकड़िए आप। तो यहाँ पर देखते हैं नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो इस समय कौन सी 6वीं पंचवर्षीय योजना रही होगी, तो 1982 में, तो ये सी वाला चला आएगा एक पर। आप देखिए सी वाला एक पर कहाँ है, एक तो यहाँ पर है एक तो यहाँ पर है, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा अब हमें क्लियर होगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब हमें साथियों एक चीज और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या साथियों, यहाँ पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास आया था, तो ये भी हम देख लिए, ये यानी ए वाला 3 पर होना चाहिए, तो ए वाला 3 पर होना चाहिए, तो यानी विकल्प नंबर सी हमारा उत्तर होगा, हमने पहचान लिया। सिर्फ दो ही फैक्ट की नॉलेज के बल पर हमने उत्तर को निकाल लिया। अब इसका मतलब जो है हमारा डी वाला 2 पर जाएगा, पंचवर्षीय योजना ये गरीबी उन्मूलन का था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा आयोग ये संबंधित था। तो मैंने सब बता दिया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, इसमें है साथियों मॉडल कृषि भूमि पट्टा, मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों ये बहुत अच्छा है, पहले क्या होता था कि कोई गांव की खाली पड़ी जमीन रहती थी, किसी व्यक्ति को खेती, वो कहीं बाहर रह रहा है लेकिन अपना खेती किसी को देता नहीं था करने के लिए, क्योंकि ऐसा था कि जो किसी कर लेता था लंबे समय तक, बाद में वो दावा ठोकने लगता था कि इतना दिन से हम किए हैं हमारी है, वो कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता था। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अपनी जमीन, खाली पड़ी जमीन को किसी को देता नहीं था खेती के लिए, उसकी बंजर हो जाए पड़ी रहे लेकिन देता नहीं था। लेकिन 2016 में एक ये मॉडल लेकर आया गया सरकार के द्वारा, और इस मॉडल में कहा गया कि भाई अगर कोई अगर खाली जमीन पड़ी है तो पट्टे पर कंट्रेस्ट पर वो उसे दे सकता है कि हाँ आप हमारी जमीन को खेती कीजिए, हमें साल भर महीना में इतना पैसा दीजिए। और इसमें एक और प्रावधान किया गया कि वो जो व्यक्ति खेती कर रहा है कृषक के रूप में, वो बाद में दावा नहीं ठोक सकता कि ये हमारा है, वो रहेगा उसी का। तो इससे ये लाया गया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए आएगा, कोई व्यक्ति खाली जमीन पड़ी है तो जो भूमिहीन लोग हैं वो आकर कृषि कर सकते हैं, तो इसीलिए आया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, वाशिंगटन सहमति किससे संबंधित है। तो वाशिंगटन सहमति साथियों, यह वाशिंगटन सहमति किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है साथियों आपके मुक्त बाजार आर्थिक गतिविधियां से। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे मुक्त बाजार आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, जहां की जिस देश की जिस राज्य की अर्थव्यवस्था बाजार पर डिपेंड करती है, यानी किस मूल्य वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बाजार पर डिपेंड करता है, तो उसे हम मुक्त बाजार आर्थिक नीतियां कहते हैं। यानी जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, हालांकि कुछ बाजार के द्वारा भी है, लेकिन जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का कीमत सिर्फ और सिर्फ बाजार ही तय करते हैं, हमारा सामान बाजार में कितने में बिकेगा, तो उसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है, मुक्त जो है आर्थिक नीतियां। आगे देखते हैं, तो ये क्या है हमारा 14 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो साथियों बहुत अच्छा है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा जो एलपीजी जो आया था 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि उद्योगों को ढील देना, प्राइवेटाइजेशन मतलब उद्योगों को प्राइवेट हाथों को में देना, ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व को अर्थव्यवस्थाओं को प्रश्रय देना। ये मतलब आपको मैंने थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया, 1991 में ही आया था। तो यहाँ पर एक है निजीकरण, जो इसमें भी है
निजीकरण का उद्देश्य क्या होता है, क्या नहीं है। तो निजीकरण मतलब साथियों, एक इसका मतलब ये होता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, इनको खराब भाषा में कहें तो सरकारी संस्थाओं को बेच देना किसी व्यक्ति या किसी अन्य कंपनी के हाथों में। तो बेचने को इस सरकार में एक नया नाम आया है, विनिवेश। विनिवेश आप कहीं सुना, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, सरकार सरकारी संस्थाओं को बेचने के बारे में बात कर रही है। तो निजीकरण का उद्देश्य यह होता है विनिवेश से धन जुटाने, यानी उसको सरकारी संस्थाओं को बेचकर प्राइवेट हाथों में धन जुटाना होता है, ये बात सही है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI को प्रोत्साहन भी करना होता है, ये भी बात सही है, हमारा ये भी बात सही है। और यहाँ जो अगला विकल्प दिया है साथियों, सरकारी संगठनों की दक्षता बढ़ाने के लिए, यस, यानी जो सरकारी संगठन ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कहा जाता है ना कि जो सरकारी संगठन है, जो सरकारी आदमी होते हैं, वो जब काम करना होता है तो उनको बुखार आ जाता है, लेकिन जब वही प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं वो बुखार में भी काम करते हैं, तो ये अंतर होता है। यानी सरकारी संगठनों की दशा सुधारने के लिए किया गया था, तो ये तीनों बातें सही हैं, प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में ये तीनों बातें सही हैं, और प्राइवेटाइजेशन के लिए ये बातें सही हैं। सीमा विहीन विश्व का निर्माण जो करना होता है वो ग्लोबलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन नहीं। तो सीमा विहीन यानी विश्व को एक गांव की तरह बनाना, विश्व में किसी तरह का सेवा मतलब ये बाउंड्री न होना, मतलब एक तरह का ये काल्पनिक है, तो कोई भी कहीं भी जाकर उद्योग लगा सकता है ऐसा। तो सीमा विहीन विश्व का निर्माण करना ये प्राइवेटाइजेशन काम नहीं है, यह ग्लोबलाइजेशन का है, तो यही आपका उत्तर होगा। 15 में क्या है, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते किससे संबंधित हैं। तो व्यापार, यहां जो है व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो साथियों, ये विश्व व्यापार संगठन नाम से ही है, व्यापार टैरिफ, तो आपको मालूम चल गया होगा, सिंपल सी बात, ये व्यापार विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, WTO जिसे हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं, देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। तो सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा क्या क्या नहीं होती है साथियों, इसमें आपको बताना है। तो सरकार की राजस्व प्राप्ति, तो ये लाभांश भी होता है साथियों, सरकार की राजस्व प्राप्ति में जो सरकार का सरकारी संस्थाओं का लाभांश होता है वो भी होता है। तो जो नहीं है हमें उसे पकड़ना है, ये तो है, और एक तरह का ये है। और यहाँ पर ब्याज प्राप्तियां जो होती है, सरकार जो ब्याज मिलता है सरकार को, वो भी है, सब्सिडी भी होती है। यहाँ सहायता अनुदान जो होती है वो राजस्व प्राप्ति में नहीं आता है, तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा उत्तर में, यही नहीं है, बाकी सब है, लाभांश भी है, ब्याज प्राप्ति सब्सिडी है, यही सहायता नहीं है, तो बी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या है साथियों, जेंडर बजटिंग आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन है। तो साथियों, जेंडर बजटिंग आरंभ करने वाला सबसे पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि अपने भारत में भी जेंडर बजटिंग शुरू किया गया है। तो जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है साथियों कि एक तरह से जो है, मतलब खास करके ये दोनों में होता है, महिला पुरुष दोनों के लिए होता है, लेकिन खास करके महिलाओं को जो है उसमें प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जेंडर बजटिंग शुरू किया गया था। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या लाजवाब प्रश्न है ये, क्या पूछ रहा है साथियों, कह रहा है घाटे का वित्त व्यवस्था क्या है, घाटे का वित्त व्यवस्था, वित्त पोषण। तो साथियों, जैसे आप मान लीजिए घाटे का, जैसे आपको घाटा लग गया तो उस घाटा को पूरा करने के लिए आप कहां से उसका पोषण करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई शादी है और आपने 5 लाख का बजट बनाया, 5 लाख का, तो अंत में शादी आते आते शादी का खर्चा बढ़ गया, किसी ने कहा भैया स्टेज भारी भरकम होना चाहिए, किसी ने कहा भैया लड़कों को एक्स्ट्रा सामान ये चाहिए, को किसी ने कहा भैया मतलब कुछ अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा खर्च हो गया, बाद में 6 लाख का खर्च आ गया। तो जो 1 लाख का यहाँ एक्स्ट्रा खर्च आ गया, इसको भरपाई करने के लिए जिसके घर शादी है वो बेचारा कहीं से उधार लेगा, तो उधार ही लेकर अपना सारी चीजों को मैनेज करेगा ना। तो यही ये जो उधार हो गया, उधार लेना पड़ गया 1 लाख अपनी बजट को संभालने के, कार्यक्रम को संभालने के लिए, यही होता है घाटे का वित्त पोषण।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यही होता है, अतिरिक्त व्यय को बाह्य संसाधनों से वित्त पोषण करने के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। तो ये कठिन भाषा में कहा है लेकिन मैंने आपको वही सरल भाषा में समझा दिया, तो यही है विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर। देखें हम लोग 19वें में देखते हैं, भारत में व्यक्तिगत इनकम टैक्स आयकर, व्यक्तिगत इनकम टैक्स एक प्रकार का है, तो साथियों एक प्रकार का ये प्रगतिशील टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये प्रोग्रेसिव यानी ये जो प्रगतिशील कर होता है ये क्या होता है साथियों, तो ये होता है टैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, यानी आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, आपकी इनकम घटेगी तो आपका इनकम भी घट जाएगा, ये होता है प्रगतिशील कर। जैसे आप 30 लाख जब से आप 5 लाख महीना कमा रहे हैं तो आपकी टैक्स कुछ और होगी, 10 लाख कमाने लगे तो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, 20 लाख कमाने लगे थोड़ा सा और टैक्स बढ़ गया, तो इसके कहने का मतलब यही होता है, इसे हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स जिसे हम लोग प्रतिगामी टैक्स कहते हैं हिंदी में, तो इसका मतलब उल्टा होता है, टैक्स जो टैक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम होती है, यानी आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स घट जाएगी और इनकम घटेगा तो आपकी टैक्स बढ़ जाएगी। जैसे कोई मजदूर है 500 रुपया कमा रहा है, 1 किलो दाल खरीद रहा है तो भी उस दाल पर 100 रुपया जो है अपना जो है 100 रुपया टैक्स दे रहा है, और कोई आदमी है जो है वो 5,000 कमा रहा है एक दिन में, तो वो भी व्यक्ति जो है 1 किलो दाल खरीदेगा तो वो भी 100 रुपया जो है टैक्स देगा 1 किलो दाल पर। तो दाल सबके लिए बराबर होती है, कोई भी सामान हम लोग खरीदें सबके लिए बराबर होती है। तो यहाँ पर सोच कर देखो, 500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया टैक्स दे रहा है, 5,000 कमाने वाला भी 100 रुपया टैक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये कम वाले से ज्यादा लिया जा रहा है और ज्यादा वाले से कम लिया जा रहा है, तो ये होती है, इसे हम प्रतिगामी टैक्स कहते हैं। खास करके जो हम लोग सामान खरीदते हैं वो प्रतिगामी टैक्स होता है कर। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ आप बहुत बेहतरीन चीजें सीखने जा रहे हैं। क्या है आपसे कह रहा है, कौन सा वक्र, वक्र कर और दर, वक्र तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। 20 में साथियों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यहाँ आप बहुत सारा फैक्ट बहुत सारा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम में दबा कर पूछा जाता है। क्या कह रहा है आपसे, कौन सा वक्र, कौन सा ऐसा वक्र है साथियों, वक्र की बात कर रहा है, तो कौन सा ऐसा वक्र है जो टैक्स और कर राजस्व के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। साथियों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये उत्तर तो इसका लाफर वक्र होगा, मैं आपको थोड़ा सा ये ग्राफ बनाकर बता दे रहा हूं, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर साथियों टैक्स हो गया और यहां पर इनकम हो गया, तो लाफर वक्र यही कहता है सरकार को, हे सरकार यदि आप टैक्स को एक लिमिट पर रखोगे तो आपको रेवेन्यू यानी राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त होगा, यदि उस टैक्स को नीचे या ऊपर ले जाओगे तो आपकी राजस्व घट जाएगी। तो सोचो वही कहता है, जैसे आप एक लिमिट तक टैक्स, मान लीजिए ये टैक्स जो है एक लिमिट तक रखो यहां तक, तो आपको रेवेन्यू बहुत अच्छा प्राप्त होगी, अगर आप टैक्स को और बढ़ाना चाहोगे तो आपकी रेवेन्यू जो है वो घटने लगेगी। तो ये होता है यानी एक लिमिट तक आपको, अगर टैक्स आपने एक लिमिट तक बढ़ाया तो आपको इनकम बहुत अच्छा प्राप्त हुआ, बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ। सोचो और आप ऐसे बढ़ाने की कोशिश और आप करने लगे तो आपकी इनकम घटने लगी, क्योंकि लोग टैक्स की चोरी करने लगे, सोचेंगे यार इतना कमा रहे हैं मेहनत से तो इतना हम ज्यादा क्यों दें सरकार को, तो वो टैक्स चुराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर एक लिमिट तक रहता है तो लोग सोचते हैं चलो यार हम कमा रहे हैं तो दे दे रहे हैं, इससे गरीबों का भला होगा, तो ये होती है, तो लाफर वक्र होता है ये। आगे देखते हैं हम लोग 21 में, IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितना अनुमानित है। तो साथियों ये भी इकोनॉमिक सर्वे में ये बात की गई थी IMF के अनुसार, तो ये क्या बात किया गया था कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितना रहने वाली है, ये बात किया गया था, तो 7%, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 7%। आगे देखते हैं ये क्या है, यहाँ कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये 2014-15 में यह एक आयोग बना था पार्थ सारथी सोम के अध्यक्षता में। तो पार्थ सारथी सोम जो है इन्हीं के अध्यक्षता में बना था, तो इसके अध्यक्ष ये पार्थ सारथी सोम थे, कर प्रशासन सुधार आयोग 2014-15 के बीच। आगे देखते हैं हम लोग, यहां देखें बहुत अच्छा प्रश्न है एक 23 में। समकरण कर की शुरुआत, समकरण कर से क्या होता है, टैक्स क्या होता है साथियों, लगभग इसका इंग्लिश में इक्विलाइजेशन टैक्स होता है, इसकी शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो साथियों समकरण टैक्स जो होता है ये ऐसा टैक्स होता है, इसलिए कहा गया कि जो विदेश में रह रहे, जो टैक्स हमारे इंडियंस लोग दे दे रहे हैं, जो भारत में रह रहे हैं, यही टैक्स विदेशियों को भी देना पड़े जो विदेश में रह रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए ये लाया गया था टैक्स जो हमारा, तो ये आया गया था साथियों, जो लाया गया था ये वित्त अधिनियम 2016 में लाया गया था, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं 24 में, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष करों को वस्तु और सेवा कर 2017 के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो साथियों ये कथन वाला सवाल है, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स को वस्तु और सेवा 2017 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया? आप लोगों को मालूम है जुलाई 2017 में ये जीएसटी को लेकर आया गया, जीएसटी में ही बहुत सारे टैक्स को शामिल कर दिया गया जो पहले अलग अलग या फिर अलग दर पर थे, तो उनको लगभग समेकित किया गया। तो यहाँ पर साथियों मूल्य वर्धित टैक्स जिसे हम लोग इंग्लिश में वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, इसको लाया गया, और ये जो चुंगी टैक्स है, चुंगी है, इसको भी लाया गया, मनोरंजन कर है और विलासिता कर है, ये सब जो है ये जो टैक्स के अंतर्गत लाया गया, तो ये विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी में यानी जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया सबको। आगे देखते हैं आगे साथियों, ये क्या है, यहाँ ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट जो साथियों ये है, ये सतत विकास से संबंधित है, सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रटलैंड नाम के एक विदेशी प्रधानमंत्री थे वही इसको दिए थे, उनका नाम ही ब्रटलैंड था, उन्हीं के नाम पर ये सतत विकास पड़ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, देखें यहाँ पर 26 वाले में हमारे क्या दिया है, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्चुअल होते हैं, तो इसे आप लोग भयभीत न होया करिए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 साथियों, ये 2013 में ये कांग्रेस सरकार के समय लाया गया था, आज जो राशन मिल रहा है आपको फ्री में, तो यही एनएफसे 2013 में ये लाया गया था, जो गरीबों को अति कम मूल्य पर जो है राशन देने के लिए, तो ये आया गया था। हालांकि इसी योजना को मॉडिफाइड करके मोदी जी, पहले जब ये आया था तो 2-3 रुपया किलो में गेहूं चावल मिल जाता था, तो इसी को मोदी जी ने अलग से नाम देकर इसको फ्री में बांट रहे हैं, जो 2-3 रुपया किलो था उसको भी अब नहीं ले रहे हैं। तो यही है, यह लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए सम्मिलित किया गया है। यस, यानी कुल बात करें तो कुल इसमें जनता 66% लगभग है, लेकिन अगर ग्रामीण ग्रामीण की बात करें तो 75% ग्रामीण जनता है इसमें, और ये 50% लगभग शहरी जनता है। यह गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता की प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। यस, विकल्प नंबर 2 भी सही है, तो आपका सी हो जाएगा, सही है। आगे देखते हैं हम लोग 27 में, तो 27 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसमें जो लक्ष्य रखा गया, मैंने बताया था अभी इस जस्ट थोड़ा सा पहले आपको बताया रहा होगा कि 2015 में, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों को घोषित किया, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें वही बताया गया है जो स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात है, एसडीजी 16 में, एसडीजी 6 में है, और सतत विकास एवं संतुलित समुदाय जो एसडीजी 11 में, जलीय जीवों की जो है संरक्षण एसडीजी 14 में है। और साथियों ये जो ये तीनों तो जब सही हैं, हमारा गलत यही है, इसमें दे दिया है कि भाई ये उत्तरदायित्व, तो यहां पर मैं इसको करूं,
जो 17 दे दिया है, उत्तरदायित्व एवं खपत उत्पादन, ये 17 में दे दिया है। तो साथियों ये गलत है, तो विकल्प नंबर आपका ये जो डी है ये गलत हो गया। तो साथियों जो 17 में होना चाहिए, 17 वाले में तो ये नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर अच्छा 17 वाले में क्या होगा, तो आप लोग जान लीजिए 17 वाले में क्या है, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी पार्टनरशिप की बात वहां पर है, एक तरह का सहयोग है, यानी लक्ष्य के लिए सहयोग है। उत्तर ये होता है 17 वाले में, और ये उत्तरदायित्व तो है, तो ये वाला यहाँ पर नहीं है, तो विकल्प नंबर डी आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 28 में, इसमें कह रहे हैं आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों श्रम मानधन योगी ये जो योजना आई थी, तो ये 2019 में, तो 2019 में जब ये आई थी तो इसमें कहा गया था कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 2019 में यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और LIC इस योजना फंड का मैनेजर है। तो विकल्प नंबर ए सत्य है हमारा, और दूसरा वाला क्या कह रहा है आपसे 28वें में, तो 28वें में आपसे कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है। तो नहीं साथियों, संगठित क्षेत्र को लाभ नहीं, असंगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है। तो इसके लिए यह श्रम मानधन योगी योजना आई थी। असंगठित का मतलब, संगठित का मतलब, यहाँ असंगठित का मतलब क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, यानी असंगठित क्षेत्र में लगे हुए लोगों की इनकम न तो निर्धारित रहती है, न काम के घंटे निर्धारित रहते हैं। आज कितना कमाया, कल कितना कमाएंगे, आज दिन भर कमाया, कल हो सकता है 1 घंटे भी ना कमा सके। तो ये इसका ये सब फिक्स नहीं रहता, उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं हो पाता है ठीक से, तो उनको असंगठित कहा जाता है। तो यहाँ पर दो तो गलत हो गया, केवल एक सही है, तो विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। 29 वाले में आपसे क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है। तो जो 5वां सर्वेक्षण की बात कर रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवेशन स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें में, तो इसमें राष्ट्रीय लिंगानुपात की बात कर रहा है, राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है। वैसे तो अपना हम लोग सन 2011 के अनुसार पढ़ते हैं भैया 943 है जो इंडिया का, अपने भारत का लिंगानुपात, यानी 943 का मतलब जो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये तो होता है हम लोग 2011 जनगणना वाले से है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां है, इसके हिसाब से हम लोग जो पढ़ते हैं, ये साथियों है आपका 101,020, यानी 1000 पुरुषों पर 120 1020 महिलाएं। तो विकल्प नंबर बी इसको याद रखिएगा। 30 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक तरफ योजना दिया है और एक तरफ वर्ष दिया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, योजना और वर्ष एक दूसरे से कौन सा संबंधित नहीं है। तो स्टैंड अप इंडिया साथियों, ये जो स्टैंड अप इंडिया ये स्कीम आई थी, यह 2016 में आई थी, यह SC ST के लिए स्कीम विशेष कर थी कि कोई भी जो बैंक है, हर एक बैंक जो होती है, हर एक ब्रांच की बैंक के जो हैं, वो कम से कम एक SC ST महिला को लोन देंगे, या और कम से कम एक SC ST व्यक्ति को गरीब मतलब लोन 10 लाख से 1 करोड़ के बीच देंगे, जिससे वो उद्योग कर सके, यानी SC ST को उद्योगपति बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए योजना थी, उनको लोन दे बैंक। तो ये 16 में आई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड ये 19 में आया था कि आपका राशन कार्ड है वो पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड, वो आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाए तो हर जगह आपके कोटे का राशन उससे मिल सके, तो ये भी था। और गोवर्धन योजना आई थी 2018 में, इससे क्या था गोवर्धन, जो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे गोबर हो गया, उसका प्रयोग करके उसको जो है मतलब उससे कोई मतलब काम की चीज बनाना, जिससे आपकी इनकम भी होने लगे, तो ये था, ये भी सही है। अब यहाँ जल जीवन मिशन साथियों 2019 में आया था, तो जल जीवन मिशन कब आया था साथियों, ये 2019 में आया था, तो इसको याद रखिएगा। तो ये 20 नहीं था, 2019 में। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या है हमारा। तो अगला क्या है, यही आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला।
क्योंकि डी गलत है। देखिए, एजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट, एजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो साथियों, ये एडीबी के द्वारा जारी किया गया, एशियाई विकास बैंक, विकल्प नंबर सी हो, बी हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, तो साथियों ये भी देखिए मैचिंग वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, सिर्फ देखने में भारी भरकम है, कोई इसमें मतलब दम नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो उत्पादन राज्यों में उत्पादन है वो उसके आधार पर दिया है। तो साथियों हमें मालूम है, एक तरफ जो उत्पादन राज्य का नाम दे दिया है और एक तरफ फसलें दी गई हैं। तो किस राज्य में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं आपको इस सेट में बता देना है। तो देखें, गुजरात में आपको मालूम है, सीधी सीधी बात, यहाँ मूंगफली उत्पादन के लिए बेस्ट है, और यहाँ पर ये तो मूंगफली हो गया, और मध्य प्रदेश में चना, खास करके चना का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, ये चना हो गया, और कर्नाटक में साथियों यह सूरजमुखी हो गया, और ये पश्चिम बंगाल में यह एक ही बचा है, ये मेष्टा हो गया। तो आपका किस पे जाता है सब? ए वाला आपका जाएगा दो पर, यही वाला एक, ए वाला दो पर, यही पहले पहले हमें मिल गया क्योंकि एक ही में ऐसा है ऑप्शन। बी वाला चार पर गया, इस तरह से है, आप देख लीजिए, विकल्प नंबर बी सत्य है हमारा। आगे देखते हैं, तो साथियों आगे हमारा कहाँ चला गया ये? तो हम लोग थे कहाँ पर? उस यहाँ पर थे, 33 वाले में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1990 के दशक के दौरान भुगतान संतुलन संकट का कारण नहीं है? तो जो 1990 में आप ये भुगतान संतुलन का कारण, भुगतान संतुलन का मतलब हमारे पास जो विदेशों से खरीदने के लिए जो विदेशी मुद्रा थी वो बहुत ही कम बचा था, बहुत संकट आ गया था, तो वही है भुगतान संतुलन। तो जिसका 1991 में एलपीजी सुधार करके बहुत तेजी से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये किया गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कौन सा इसका कारण नहीं है भुगतान संतुलन का? तो उसका कारण साथियों राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.4% तक पहुंच गया था, ए भी है। तो ए है, आपसे कह रहा है कौन नहीं है, तो अभी पता लगेगा कौन सा नहीं है। तो ए वाला तो है, कुवैत पर इराक से आक्रमण से तेल की कीमत में कमी, ए भी है। महंगाई दर 6.7% से 16 या 17% तक पहुंच गई थी, ये भी है। यानी दिए हुए ऑप्शन में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो भुगतान संतुलन का कारण न बनता हो, तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर 34 में है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को मालूम है साथियों, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन 1951 से यह कार्यान्वित कर रहा है। विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, हमारा 34 वाला हो गया, अब हम 35 देखते हैं। 35वें में क्या है इसमें साथियों? क्या पूछ रहा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी इसका इंग्लिश में जो RRBS दिया है, इसका रीजनल रूरल बैंक्स है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है साथियों, इन दोनों कथनों को पढ़कर आप बता देंगे और सही उत्तर दे देंगे। तो इन्हें नरसिंहम वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था, यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इन्हें नरसिंहम वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिश के आधार पर इन्हें मतलब स्थापित किया गया था। तो यस, ये बात सही है, 1975 में ही आया था ये, और इसका पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो प्रथमा ग्रामीण बैंक था साथियों। यस, दोनों बातें सही हैं, प्रथमा ग्रामीण बैंक का ये एक नया नाम बन गया है साथियों, ये प्रथमा ग्रामीण बैंक का, ये प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मतलब जिले में है। तो यहाँ दोनों बातें सही हैं, सी हो जाएगा 35 का। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा, आगे देखते हैं 36 में।
कौन सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है? सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय कौन होता है? तो साथियों, सहकारी बैंक का जो शीर्ष निकाय होता है, आप लोग सबको मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं हम सबको। सहकारी बैंकों का जो शीर्ष निकाय है वो नाबार्ड होता है। तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 36 का हो गया हमारा, 36 का उत्तर बी हो गया। नाबार्ड की स्थापना मैं पहले बताया था, 1982 को हुआ था ये। आगे देखते हैं, आगे साथियों इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो साथियों, नचिकेत मोर समिति ने ये भुगतान बैंकों की स्थापना करने के लिए कहा गया था। भारत का सबसे पहला भुगतान बैंक है एयरटेल। यहां पर लिखा क्यों नहीं जा रहा है? एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक है भारत का पहला भुगतान बैंक है। भुगतान बैंक ऐसा होता है साथियों, जिस दूर दराज एरिया में जहां बैंक नहीं है वहां पर ये खोल दिया जाता है। ये लोग कुछ पैसे और लेने देने का काम करते हैं, लेकिन हाँ लोन नहीं देते हैं ये, तो ये ही काम करता है। ये नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर आया था। 37वां का हमारा उत्तर ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग, देखते हैं, देखें इसमें क्या लिखा है। ये भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी जिसे इंग्लिश में एन शॉर्टकट में एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी ये गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां क्या होती हैं? यह बैंक की ही तरह काम करती हैं कंपनियां, लेकिन बैंक नहीं होती हैं, खाली बैंक की तरह काम करती हैं, तो इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं बोला जाता है। इसके संदर्भ में क्या गलत है, इसको हमें पकड़ना है। तो इसको हम पकड़ कर क्या बोलेंगे साथियों, इसमें हमारा उत्तर क्या होना चाहिए कि वे भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा है एवं स्वयं पर आधारित चेक जारी कर सकते हैं। तो नहीं, मैंने बताया ना, वो केवल आपका पैसा जमा कर सकती हैं, आपको पैसा दे सकती हैं, लेकिन वो आपको चेक वगैरह जारी नहीं कर सकती, आपको लोन नहीं दे सकती, ये सब नहीं है। तो विकल्प नंबर यही ये गलत है आपका, और बाकी सब सही है। देखिए साथियों, हम लोग क्या है हमारा 39 का सवाल, यहाँ बहुत अच्छा सवाल है एक। लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो लीड बैंक योजना जो थी साथियों, यह जो 1969 दिसंबर 1969 में शुरू किया गया था, तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 1969 में यह शुरू किया गया था लीड बैंक योजना। तो लीड बैंक योजना क्या था साथियों यहाँ पर, कि हर जिले में एक लीड बैंक खोला जाए। लीड बैंक क्या होता है साथियों, यह जो है एक तरह का जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनका मदद करने के लिए होता है, कि जैसे वहां पर रहेगा तो वित्तीय संस्थाओं का मदद करेगा, तो ये इस तरह से मदद करेगा ये लीड बैंक, कि यह देखेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में लोन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, यानी कृषि के क्षेत्र में और उद्योग लगाने के क्षेत्र में, पर्यावरण में काम करने के क्षेत्र में, इसमें लोन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। आगे देखते हैं, तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्या लाजवाब प्रश्न है ये, क्या कह रहे हैं? मुद्रा बैंक से संबंधित सवाल है। मुद्रा बैंक के संदर्भ में आपको दो कथन दे दिया है, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर आपको उत्तर देना है विकल्प में। तो मुद्रा बैंक क्या है साथियों, आपको मालूम है यह 2015 में आया था और 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह लॉन्च किया गया था। यस, ये बात बिल्कुल सही है। और यह ऋण मुद्रा बैंक अपने से नहीं देती है, मुद्रा बैंक देती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को देती है, गैर वित्तीय संस्थाओं को देती है, और वे संस्थाएं जो होती हैं वे बैंक एमएसएमई को देती हैं, एमएसएमई जो होती हैं उनको, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको ये उद्योग लगाने के लिए पैसा देती है। तो यह जो है कह रहा है कि एमएसएमई को प्रत्यक्ष रूप से देती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देती, मैंने बताया ना कि यह एनएफएफसी को देती है मुद्रा बैंक, और मुद्रा बैंक इसे देती है एमएसएमई को, तो ये गलत हो गया, आपका उत्तर केवल ए सही हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, तो अगला में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से संदर्भ के संदर्भ में
आपको दो कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है उसे बताना है। तो आपको मालूम है 1935, इसे मूल रूप से 1935 में एक निजी संस्था के रूप में, यानी ये जब शुरुआत हुई थी आरबीआई के, तो यह प्राइवेट हाथों में थी, लेकिन ये आजादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी इसे सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो साथियों यस, 1 रुपये को जो नोट होता है और जो सिक्के होते हैं वो जो जारी किए जाते हैं वो वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए जाते हैं, और बाकी जितने होते हैं वो आरबीआई के द्वारा। ये बात बिल्कुल सत्य है, तो हमारा दोनों कथन सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, ये हमारा हो गया 42 पे पहुंच गए हम लोग। तो 42 में साथियों आपको ओवरड्राफ्ट से संबंधित सवाल पूछा है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होता है उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों को मुख्य विशेषता में से कौन सी है। तो पहले आप जान लीजिए ओवरड्राफ्ट व्यवस्था क्या होती है। जैसे जिस ओवरड्राफ्ट व्यवस्था जिस व्यक्ति को मिल जाता है, बैंक जिस अकाउंट को या जिस व्यक्ति जिस खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे देती है, अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर भी एक लिमिट तक वो पैसा निकाल सकता है एक तरह का लोन के रूप में, और आगे चलकर एक लिमिट से ज्यादा निकालेगा तो उस पर ब्याज भी देना होगा व्यक्ति को। तो यही होती है ओवरड्राफ्ट, एक तरह का जो है आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी आप पैसा निकाल सकते हैं एक लिमिट तक। तो यही है, तो इसकी मुख्य विशेषता में कौन सी है, तो क्या इसकी विशेषता है साथियों, इसकी विशेषता आपसे पूछ रहा है। तो विशेषता क्या है, पात्र धारकों को 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। यस, 10,000 रुपये तक, यही बातें सही है। 43 में किसी बैंक को किसी ऋण को गैर निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम कितना समय दिया जाता है। तो साथियों यही प्रश्न जस्ट जो है अभी यूपी पुलिस ने पूछ लिया था, और बेचारे हालत खराब हो गया, वो लोग क्या जाने उतना गहराई से पढ़े नहीं होते हैं जीएस को, तो एनपीए से संबंधित तो लोग नहीं जान पाते हैं ज्यादातर लोग। तो एनपीए क्या होता है साथियों, एनपीए का मतलब होता है इंग्लिश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्ति, यानी बैंक ने जो ऋण बांटा, जो बैंक ने ऋण दिया उस ऋण का अब तो न तो मूलधन आ रहा है 90 दिनों तक, तो ना ही मूलधन आया ना ही उसका ब्याज आया, तो बैंक उसे एनपीए घोषित कर देती है, यानी खराब लोन यानी फंसा हुआ लोन घोषित कर देती है, वो 90 दिन लिया जाता है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यानी बैंक ने जितने पैसा अपना जो बैंक ने जो लोन दिया उस लोन के बदले बैंक को 90 दिनों तक तो ब्याज भी न मिले न तो उसका मूलधन मिले, तो वो एनपीए घोषित कर दिया जाता है, यानी हमारा लोन अब फंस चुका है। तो बी हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं, तो देखें हमारा ये सवाल है, सूची एक सूची दो को मिलाने वाला प्रश्न है हमारा, क्या लाजवाब प्रश्न है। सूची एक दिया है, कुछ कानून दिए गए हैं, सूची दो में वो वर्ष दिए गए हैं किस वर्ष में वो आया था। तो सरफेसी कानून आया था साथियों, बहुत बेहतरीन है, हमारे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है सरफेसी कानून को। ये सरफेसी कानून 2002 में आया था, तो 2002 में इसलिए आया था कि अगर कोई व्यक्ति लोन ले लिया है, लोन नहीं चुका रहा है, तो जो संस्था लोन दी है वो संस्था उस व्यक्ति का संपत्ति बिना कोर्ट से अनुमति लिए जब्त कर सकती है। तो ये आ जाएगा 4 पे आपके, 2002 में आया था। आप देखिए ए वाला 4 पे होना चाहिए, कहाँ है, सिर्फ इसमें है और डी में है। तो यानी अब हमें क्लियर होगा कि ये और ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और साथियों यहां पर जो और हमें दिखा रहा है, ये जो वसूली न्यायाधिकरण, वसूली ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ये कहाँ है। तो साथियों ये यहाँ पर तो ये वाला हो जाएगा आपका, बी वाला तो जाएगा कहाँ पर, तो बी वाला आपको ये ऋण वसूली न्यायाधिकरण ये जाना चाहिए 2 पर, ये हाँ 2 पर, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, 93 में आया था ये, और दिवाला अब ये वाला 2। अब हमें तो क्लियर हो गया, ज्यादा हमें टेंशन नहीं, लेकिन हाँ अभी भी हम फंसे हुए हैं क्योंकि बी वाला भी हमें 2 पर दे दिया है। तो और यहाँ पर जो कारपोरेट ऋण पुनर्गठन है, तो
तो ये जो है 2001 में और 2016 में दिवालिया संहिता, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए सही है। आगे देखते हैं हम लोग 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन है, बताना है हमें कौन सा सही है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध है, यस सही बात है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत को पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है, यस साथियों। जैसे गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जैसे लकड़ी का हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल, ये सब गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसे पारंपरिक ऊर्जा, यानी इसे फिर से नया नहीं किया जा सकता। तो दोनों बातें सही हैं, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। तो हमारा 46 में क्या है, कौन ब्रॉड मनी यानी M3 से संबंधित है, M1, M2, M2, M3, 0M ऐसे होता है ना, तो M3 का क्या घटक है यहाँ पर, M3 से संबंधित क्या है। तो साथियों ये M3 का मतलब ये होता है कि लोगों के जो है, जो जो लोग नोट और करेंसी रखे हैं वो इसके अंतर्गत आता है। बैंकों के पास जो मांग जमा है, मांग जमा का मतलब बैंकों के पास ऐसा जमा किया हुआ पैसा जिसे ग्राहकों के द्वारा कभी भी मांगा जा सकता है, तो ये हो गया। बैंकों के पास जनता की सावधिक जमा, सावधिक मतलब जो हम लोग FD करवा देते हैं, फिक्स करवा देते हैं, वो हो गया। तो ये तीनों जो है साथियों M3 के अंतर्गत आती है, जबकि ये डाकघरों के पास कुल बचत जमाएं ये M1 के अंतर्गत आती है, ये M3 नहीं आती है। तो हमारा उत्तर यहाँ बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 47 में, तो 47 में क्या है, सावधिक चलन अनुपात SLR में कमी से। SLR का मतलब साथियों क्या होता है, जैसे CRR होता है तो उसका एक निश्चित अनुपात बैंक अपना RBI में रखते हैं, उसी प्रकार से SLR भी होता है। तो SLR का मतलब जब SLR बढ़ गया तो इसका मतलब जो बैंक है वो RBI के पास अब ज्यादा पैसा रखेगी। तो बैंक जब RBI के पास ज्यादा पैसा रखेगी, बैंक के पास पैसा कम होगा तो ये पैसा लोन कम बांटेगी जनता को। अगर RBI के पास SLR कम हो गया, इसका मतलब RBI के पास अब कम रखना होगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, ये बैंक ज्यादा ऋण बांटेगी। तो ये होता है इसका, समझ लीजिए आप, उसी CRR की ही तरह लगभग लगभग होता है। तो ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा। तो बैंकों के लिए उधार देने के लिए निधियों की मात्रा में वृद्धि होगी। तो साथियों यस कमी की बात है ना, तो जब कमी कर देगी तो बैंक ज्यादा लोन दे सकेंगे। आगे देखें 48 में, निम्नलिखित में से कौन सी चलन समायोजित सुविधा यानी LAF के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। तो LAF के जो दो महत्वपूर्ण घटक है साथियों, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, जैसे RBI अगर बैंक को पैसा दे और जो देती है तो उस पर एक समय के लिए रेपो रेट लगाती है, मतलब तो उस पर जो ब्याज लगाती है उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और जब बैंक अपना पैसा यहाँ रखाती है उस पर जो लगता है, बैंक को जो पैसा ब्याज मिलता है RBI के द्वारा, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। 49 में, ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ट्रेजरी बिल के साथियों, इसमें ट्रेजरी बिल के संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ट्रेजरी बिल सरकार की अल्पकालिक तरलता की आवश्यकता को पूरा करते हैं, RBI के द्वारा जारी एक वचन पत्र होता है, और ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं, उन पर कोई ब्याज नहीं देना होता, यस दोनों बातें सही हैं, तो बी हो जाएगा। 50 में, वाणिज्यिक पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वाणिज्यिक पत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, तो ये हमें अब बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर वाणिज्यिक प्रपत्र आमतौर पर सावधिक जमा एवं प्रमाणिक जमा की तुलना में रिटर्न्स प्रदान करते हैं, तो ये गलत हो गया। वाणिज्यिक प्रपत्र जो होते हैं साथियों, यह वाणिज्यिक पत्र आमतौर पर सावधिक एवं जमा के प्रमाण पत्र की तुलना में ज्यादा रिटर्न से देते हैं, कम नहीं। तो ये डी वाला आपका गलत हो गया। 51 में हम लोग देखते हैं,
तो इस 51 वाले में पूंजी बाजार लिखितों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूंजी बाजार लिखितों के में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ये जो सभी शामिल हैं, ये पूंजी बाजार लिखितों में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल होते हैं, तो वो हमें बताना है यहाँ पर। तो साथियों, यहाँ पर जो है हमारा एक बॉन्ड होता है, एक म्यूचुअल फंड होता है, यही दो पूंजी बाजार के लिखित में शामिल होते हैं लिखितों में, और ये दोनों नहीं होते हैं। तो हमारा उत्तर सी होना चाहिए। तो भारत में मसाला बॉन्ड पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है ये, मसाला बॉन्ड से संबंधित। तो ये मसाला बॉन्ड क्या होता है, ये भारत में कब शुरू किया गया था? तो साथियों, ये शुरू किया गया था 2014 में। क्यों शुरू किया गया था? मसाला बॉन्ड क्या होता है साथियों, जो हम लोग अपना जैसे बिल जारी करते हैं, जैसे हम लोग जो भारतीय कंपनियां विदेशों से, मतलब अपना एक तरह का विदेशों से जो संपत्ति जुटाने काम करती है, विदेशों में अपना ट्रेजरी बिल जारी करती हैं, तो उन विदेशियों से कहती हैं, भैया आपको हम आप डॉलर में कमा रहे हो, आपके यहाँ डॉलर चलता है, तो हमें डॉलर में नहीं चाहिए, हमें रुपया में ही चाहिए। यानी अन्य विदेशियों से भी जो एक तरह का मतलब पैसा लिया जाता है, संपत्ति जुटाई जाती है, वह डाल अन्य विदेशी मुद्रा में न लेकर वो भारतीय मुद्रा में लेना, ये मसाला। तो साथियों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, इसमें क्या पूछा जा रहा है। एक तरफ आपको कुछ वित्तीय नियामक संस्था दे दिया है, यानी फाइनेंशियल रेगुलेशन, और दूसरी तरफ उसका आपका स्थापना का वर्ष दिया है, तो उनमें से एक गलत है, उसी गलत को आपको पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा पकड़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए पकड़ते हैं, कैसे पकड़ेंगे। एक तरफ यहां दिया है पहले वाले में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, ये बात सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, तो गलत जो होगा हमें उसको बताना है। भारतीय स्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी साथियों, 4 में नहीं, तो यही गलत हो गया। ती चार की जगह 3 रहा होता तब नहीं गलत होता, तो विकल्प नंबर बी ही आपका उत्तर होगा। और बीमा नियामक विकास एजेंसी 99 और पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण 2003, ये सब सही है अपनी जगह जगह पर, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बी सही है। आगे देखें हम लोग 54 में, ये भी देखिए हमारा बहुत अच्छा सवाल है, मैचिंग वाला है, हम लोग कैसे मैच कराते हैं इसमें, ये देखना है। देखें, हमें 4 समितियों के नाम दिया है, कौन सी समिति कब गठित की गई थी, इसका कालक्रम बताना है, यानी पहले कौन, फिर उसके बाद वाली। तो यहाँ पर साथियों हमें देखना है सबसे अंत में, यहाँ पर जो रंगराजन समिति नाम की एक समिति है, यह 2012 में गठित हुई थी, कब? 2012 में। तो ये रंगराजन 2012 में हुई थी, तो और बाकी सब 2000 के पहले हैं, तो इसका मतलब ये 3 सबसे अंत में होना चाहिए, तो या तो उत्तर या ये हो सकता है या ये हो सकता है, एक चीज हमें क्लियर हो गया, ये उत्तर नहीं हो सकते। तो आगे देखें हम लोग, सेट हमारा क्या है, अलग समिति जो बनाई गई थी 1979 में, और तेंदुलकर समिति साथियों 1909 में, और साथियों हाँ 2009 में, ये 2009 में, और ये अलग समिति जो थी साथियों, ये अलग समिति, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इसमें साथियों कुछ घटनाओं पर दिया है, यानी कुछ एक तरह की समिति दिया है इधर, और दूसरी तरफ जो है वो इन्हीं घटनाओं यानी समितियों को कह रहा है कालक्रम में सजाना है, यानी सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद इस तरह से हमें सजाना है। तो देखें, हमें सजाने के लिए हमें इनका डेट पता होना चाहिए, इनका जो है डेट मालूम रहेगा तभी सजा सकते हैं। और एक चीज और, अगर आपको ये रंगराजन समिति के बारे में मालूम होगा, तो ये 2012 में आई थी, और दिए हुए सभी समितियों में सबसे अंत में यही है, और यानी और जितने हैं वो इसके पहले की हैं, तो इसका मतलब ये कि यही 3 जिसमें अंत में होगा वही उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 3 सबसे अंत में है और इसमें है, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा, ये और ये अपने उत्तर नहीं हो सकते, इतना तो क्लियर हो गया। और ये लकड़वाला समिति है साथियों,
ये 1993 में बनाई गई थी। कब? 1993 में आई थी, और तेंदुलकर 2009 में आई थी, और ये अलग समिति 1979 में आई थी। इसका मतलब ये अलग है, नंबर एक पर होना चाहिए, और रंगराजन जो है मतलब चार पहले होना चाहिए, तीन अंत में होना चाहिए। तो यही डी वाला हमारा उत्तर बन रहा है, ये वाला 55 में। 55 में साथियों क्या कहा जा रहा है, इसमें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजेल का नियम का सटीक वर्णन करता है? तो जैसे जैसे इनकम में वृद्धि होती है, आवश्यकताओं पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात कम हो जाता है, यही एंजेल का नियम कहता है। एंजेल का नियम को मैं शॉर्टकट में अगर बताऊं, तो जैसे आप 500 रुपये कमा रहे हैं, तो 500 रुपये कमा रहे हैं तो अपना घर घर का खर्चा 300 में चला ले रहे हैं। कल की आपकी इनकम दुगनी हो जाएगी, 1000 रुपया, तो आप अपनी उस, आपका इनकम तो दुगना हो गया, लेकिन आप खर्चा को दुगना नहीं करेंगे, बहुत करेंगे 400 कर लेंगे, 350 कर लेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कि जो है 600 तक तुरंत आपकी इनकम दुगनी हो गई तो आप खर्च भी दुगना कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। यही आपका जो मतलब डिफरेंस देखा जाता है, ये जितनी इनकम में वृद्धि होती है उतना आवश्यकताओं पर खर्च नहीं किया जाता है। तो डी वाला उत्तर हो गया, एंजेल का नियम। तो आगे देखते हैं, भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो विकल्प नंबर बी NSO के द्वारा ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखें हम लोग, गिनी गुणांक किस आर्थिक वक्र से प्राप्त होता है? तो गिनी गुणांक जो होता है साथियों, ये पूछ रहा है किस आर्थिक वक्र से हमें ये प्राप्त होता है, तो इसमें एक दिया है लारेंज वक्र, लारेंज वक्र से प्राप्त होता है, विकल्प नंबर बी। लारेंज वक्र आप पढ़े होंगे, देख लीजिए एक बार, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। तो स्टैगफ्लेशन क्या स्थिति है साथियों? एक इन्फ्लेशन होती है जिसे हम लोग एक तरह की महंगाई कहते हैं, जैसे वस्तुओं सेवाओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक स्टैगफ्लेशन होता है, एक आर्थिक स्थिति है जिसका विशेषता क्या होती है स्टैगफ्लेशन की, कि यहाँ पर जो मुद्रा स्फीति होती है उच्च होती है और उच्च बेरोजगारी होती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ भी जाते हैं और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। जैसे आप सोचो, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए, बहुत तेजी से, तो होगा क्या, जब वस्तुओं सेवाओं के दाम बहुत हो गई, चीजें बहुत महंगी हो गई, तो महंगी चीजों को लोग खरीदना कम कर देंगे, तो लोगों की इसकी खरीद को कम कर देते हैं। जब खरीदेंगे कम तो कंपनियों में माल बनेगा कम, कंपनियां धीरे धीरे उस उत्पादन को कम करेंगी, उत्पादन कम करने के साथ साथ अपने कर्मचारियों की छटनी कर देंगी, छटनी करेंगी तो उनके यहाँ बेरोजगार जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो यही होती है स्टैगफ्लेशन, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जेसी कुमारप्पा समिति संबंधित है, तो जेसी कुमारप्पा संपत्ति किससे संबंधित है? तो यह कृषि सुधार से संबंधित है, यह विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, 59 का डी हो गया। तो 1949 में यह गठित की गई थी, इन्हीं की अध्यक्षता में, कुमार अप्पा की के अध्यक्षता में। देखें यहां पर एक दिया है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो था साथियों, यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, विनोबा भावे जो है इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था, एक तरह का जो है जमीन इकट्ठा करना, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने का ये था, लेकिन जितना सोच कर यह किया गया था उतना हो नहीं पाया, क्योंकि इसमें लिमिट था ना कि इतने से ज्यादा जिसकी भूमि होगी उसको इतना दान देना पड़ेगा, तो लोगों ने अपने घर में सभी के नाम से छोटे छोटे हिस्सों में जमीन को बांट दिया, और इसलिए यह फेल भी हो गया, उतना जितना सोचा गया था उतना नहीं हो पाया। 61 में क्या कहा जा रहा है, हरित क्रांति के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हरित क्रांति साथियों, एस.एस. स्वामीनाथन को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो नहीं साथियों, सही बात जब पूछ रहा है तो एम.एस. स्वामीनाथन को विश्व में नहीं, भारत में जो है माना जाता है हरित क्रांति का जनक, डबल क्रॉपिंग हरित क्रांति की प्राथमिक विशेषता थी।
तो इसकी जो प्राथमिक विशेषता थी, यस ये बात सही है, तो कुरियन उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। और जो भारत में जो विश्व में है वो कुरियन, उनका नाम है कुरियन। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट चमन, प्रोजेक्ट चमन किस वर्ष शुरू किया गया था साथियों? ये है हमारा एक उत्तर, मतलब प्रश्न है, प्रोजेक्ट चमन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों जो 62 में हमसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट चमन, तो ये शुरू किया गया था 2014 में। विकल्प नंबर हमारा यह ए हो जाएगा, 2014 में। आगे देखते हैं, 53 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत आती है? तो जो एमएसपी के अंतर्गत आती है साथियों, यह नाइजर बीज, सरसों, जौ, खोपरा, कुल 22 फसलें आती हैं, और गन्ना भी एमएसपी नहीं वो एफपीआर की संदर्भ में आती है। तो आपका यहाँ डी हो जाएगा उत्तर, ये सभी आते हैं। आगे देखते हैं, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसके बारे में है? तो मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड साथियों यह बहुत ही, सॉरी, मृदा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में कौन सा कथन सही? इसे 2015 में शुरू किया गया था मिट्टी की, मतलब गुणवत्ता की जांच के लिए, तो 2015 में, तो 12 में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसमें 12 मापदंडों पर ये जांच की स्थिति प्रदान करती थी, तो यस ये बातें सही है। तो उत्तर आपका ये केवल 2 हो जाएगा, डी वाला। तो इसमें क्या कह रहा है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह विकास के महान लोबिस मॉडल पर आधारित था, तो यस ये बात सही है। इस नीति को भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोनों बातें सही है साथियों, यहां पर हमारा जो उत्तर होगा ए हो जाएगा। अब हमारा देखे 66 में साथियों, एक बहुत बेहतरीन सवाल दिया है, लोग यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में 8, यानी कभी आपसे पूछे कितने कोर उद्योग हैं, तो 8 कोर उद्योग हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो 8 कोर उद्योगों में जो सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसका सबसे ज्यादा भारांश है, वो पहले विद्युत का था, लेकिन 2005 के बाद से ये जो है सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा वेटेज ये रिफाइनरी को दे दिया गया। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो है विद्युत है, उसके बाद इस्पात है, उसके बाद ये कोयला है। तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा उत्तर, ये वाला था। यहाँ पर कच्चा तेल दे दिया, इन दोनों में कंफ्यूज ना होइए, यहाँ कच्चा तेल है, यहाँ कोयला है। आगे देखें, 67 में, 1924 में रेल बजट को आम बजट से किसकी सिफारिश पर अलग कर दिया गया था? तो 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो यह एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो बफर स्टॉक की जो कॉन्सेप्ट है वो किस पंचवर्षीय में ये आया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान थी, वो कब आई थी? तो 1969 से लेकर 74 तक, 74 तक था। आगे देखें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत जबरदस्त योजना है साथियों, सबको मिलता है, आप लोग इससे परिचित होंगे, आपके घर वालों को भी मिलता होगा ये। मोदी जी 2000, तो ये 69 में क्या कह रहा है, पीएम मोदी सम्मान निधि योजना के बारे में कुछ कथन दिया है, कौन सा कथन सही है? इन दोनों कथनों को पढ़कर बताइए, तो आप लोग इससे बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, आपके घर वालों को भी, जिनके नाम से थोड़ी बहुत जमीन होगी उसको ये लाभ मिलता होगा। तो हर महीने, मतलब साल भर में 3 किस्त के द्वारा ये 2-2 हजार रुपया करके, 2-2 हजार रुपया करके साल भर में 6 हजार रुपया मिलता है 3 किस्त में, ये बात आप लोगों को जानते हैं।
तो यह पूर्ण रूप से केंद्र के द्वारा दिया गया है पैसा। पूरा ये पूरा जो पैसा आता है इसमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं है, पूरा का पूरा यह केंद्र सरकार की है। हम लोग सब लोग सुनने में आता है ना कि मोदी जी देते हैं, तो हाँ सच में मोदी जी देते हैं, हालांकि अपने घर से नहीं देते हैं लेकिन देते वही है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है साथियों, ये गलत हो गया। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब ये होता है कि ऐसी योजना उसका संचालन तो केंद्र सरकार ने किया है लेकिन उसमें पैसा राज्य भी खर्च करते हैं, तो ये बात हो जाती है। तो ये गलत हो गया आपका, तो और ये तो गलत हो गया। दूसरा में क्या कह रहा है, इस योजना के तहत सभी भूमिधारक परिवारों को 3 किस्तों में 6,000 की इनकम सहायता दी जाती है। यस, तीनों दो दोनों बातें सही हैं, एक एक बात केवल सही है, विकल्प नंबर बी सही है हमारा केवल दो। आगे चलते हम लोग।